अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अरमान खान और मैं असफन खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मॉक द व्लॉगिस्ट और आज हम लोग देने लगे हैं क्रिकेट एनालिसिस कल के मैच के ऊपर जो होने जा रहा है श्रीलंका और यूए के दरमियान। तो आप लोगों को हम प्रेडिक्शन देंगे मैच कौन जीतेगा, उनके स्ट्रेंथ्स बताएंगे, वीकनेसेस बताएंगे और उन टीम के रिलेटेड उनका जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैच के रिलेटेड वो आपको बताएंगे और कल के वेदर फोरकास्ट के रिलेटेड बताएंगे कि ग्राउंड की वेदर फोरकास्ट कैसी रहेगी और स्टेडियम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको इंशाल्लाह कि स्टेडियम का हाईएस्ट रन चेज क्या है और किस टीम ने रन चेज हाईएस्ट किया है। और कल हमारे नज़रिए से कल एक हिस्टोरिक इवेंट है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। जैसा कि पिछले आप सबको पता होगा कि हर टीम के पास दो चांसेस है क्वालिफायर में, जो टीम दो मैचेस हार गई तो वो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे वर्ल्ड कप से बाहर होने के। पिछला मैच जैसा कि नामीबिया और श्रीलंका के दरमियान हुआ था और श्रीलंका उसमें अपना बेस्ट नहीं दे सकी, 15 ओवर्स तक उन्होंने अच्छा खेला लेकिन लास्ट 5 ओवर्स में जो है उन्होंने अपने मैच जो है लूज़ कर दिया क्योंकि जो लोअर ऑर्डर था नामीबिया का वो काफ़ी बहुत अच्छा खेला। और एक बड़ी रीज़न बड़ी वजह श्रीलंका की हारने की ये भी थी कि उनके बैट्समैन जो है वो पावर हिटिंग करते हैं, लंबा नहीं खेल पाते, बिल्कुल पावर हिटिंग भी। और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स हैं, मेरे नज़रिए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स जो हैं उनकी बाउंड्रीज और जो वो बड़ी हैं, स्टेडियम बड़ा है बाकी ग्राउंड्स की नस्बत, तो उन्होंने क्या कि श्रीलंका के बैट्समैन ज़्यादातर जो भी आ रहा था वो पावर हिटिंग के चक्कर में था। मतलब जैसे हमारे माशाल्लाह बाबर आजम को देख लें आप, वो क्लासिकल बैट्समैन बनते जा रहे हैं, इस टाइम पूरी दुनिया उन्हें मान रही है, ठीक है, तो उन्हें भी चाहिए था कि मैच को लंबा लेकर चलें। मैच को जितना लंबा लेकर चलेंगे उन्हें चाहिए लास्ट 5 ओवर्स में अगर वो खेलते हिटिंग पर जाते तो उनका चांस बन सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो आके हिटिंग करते रहे और अब कैचेस देते रहे आसान, जो आराम सुकून से नामीबिया के जो फील्डर्स थे वो अवेल करते रहे अपॉर्चुनिटीज़, और उन्होंने उस दिन अच्छा खेला और वो जीत गए। और श्रीलंका की एक और हारने की बड़ी वजह भी ये थी कि श्रीलंका के जो फील्डर्स थे उन्होंने बहुत गंदी कारकर्दगी दिखाई, जैसा कि बहुत से कैचेस ड्रॉप किए उन्होंने, बिल्कुल मेन पॉइंट्स पे कैचेस ड्रॉप किए। और यहाँ पर मैं अरमगान भाई आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है श्रीलंका के पिछले मैच के बारे में। मैं भी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी बात से, जो आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपने देखा श्रीलंका ने पावर हिटिंग की, वो मैच को लंबा लेके नहीं चले, तो यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। मैं मेरे ख्याल से श्रीलंका कैपेबल है मैच जीतने के लिए, मतलब उसके पास प्लेयर्स भी हैं, उसके पास सब बॉलर्स भी हैं, सब कुछ है उसके पास, अगर वो मैच को लंबा लेके चले तो मेरे ख्याल से उसके लिए मुश्किल नहीं है मैच जीतना। नामीबिया से भी जीत सकता था वो और कल यूए से भी जीत लेगा अगर यही करे वो लंबा लेके चले मैच को। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेन जो वजह आपकी बात से भी मुझे यही पता चल रहा है कि उनका माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। उनके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी भी उनके पास अच्छी आई हुई है, उनकी एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, सारे जो बैट्समैन उनके और बॉलर कैपेबल हैं हर चीज़ के लिए। जैसा कि अगर आप चेक करें हसरंगा जो हैं वो वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं 7वें 8वें नंबर पर एज अ बॉलर और ऑलराउंडर भी, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि अभी एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया, वो भी 2 मरतबा, फाइनल भी और ग्रुप मैच में भी, और इंडिया को भी उन्होंने, इंडिया की भी अच्छी टीम को उन्होंने शिकस्त दी। लेकिन ये एक प्लेयर के जब पूरी टीम को लेकर नहीं चल सकता ना, पूरी टीम के साथ चलना होता है। मेन वजह एक ये भी सामने आ रही है श्रीलंका के हारने की कि उनका नसंका बैट्समैन जो है वो सही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि वो उन पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे चांसेस उन्हें दिए एशिया कप में, ठीक है, तो उनको जो ज़्यादा मैच जितवाने में जो मेन किरदार अदा किया हसरंगा ने और राजापक्सा ने, और जो लास्ट मैच हुआ राजापक्सा जल्दी आउट हो गए, अपने विकेट दे गए, गलत शॉट खेल दी उन्होंने जो उस फील्डर के हाथ में कैच दे गए, और उसके बाद हसरंगा पर उन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई थी श्रीलंका वालों ने, लेकिन हसरंगा भी उस तरह का खेल पेश ना कर सके तो वो कहीं अपनी गेम में ही खो गए, तो उस वजह से श्रीलंका का माइंड जो है डाइवर्ट हो गया, तो उन्होंने मतलब वो मैच ईजीली 50+ रन से नामीबिया को दे दिया।
सेकंड मैच जो 2 days अगो, जैसा कि लास्ट मैच यूएई और नैदरलैंड का था, उन्होंने यूएई भी मैच जीते जीते हार गया, लास्ट बॉल तक मैच गया, और कल भी यूएई को भी इतना मतलब छोटी टीम ना समझे, लेकिन आप कह भी सकते हैं कि वो श्रीलंका के मुकाबले की टीम ऑन पेपर फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो एशिया कप में क्वालिफाई भी नहीं कर सके थे यूएई वाले। तो यूएई की स्पिन बॉलिंग अच्छी है, यूएई की स्पिन बॉलिंग भी अच्छी है, उनकी फास्ट बॉलिंग भी बेहतर है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ऑन पेपर आप श्रीलंका और यूएई को कंपेयर नहीं कर सकते, उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस जो रही हैं पास्ट में, जैसे श्रीलंका के आप कह सकते हैं फाइनल, एशिया कप का फाइनल वो जीते हुए हैं, कोई मामूली टीम नहीं है वो। चलें अब चलते हैं अपने उन पॉइंट्स की तरफ, सबसे पहले प्रेडिक्शन, आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कल के मैच के बारे में? कल के मैच में मैं कितने परसेंट आपको लगता है श्रीलंका जीतेगा? 80% श्रीलंका के चांसेस हैं मेरे हिसाब से, तो श्रीलंका को जीतना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हिस्ट्री कायम हो और श्रीलंका फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में वर्ल्ड कप ना खेल सके, क्योंकि श्रीलंका के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, वो अगर वर्ल्ड कप में रहेंगे अच्छा खेलेंगे तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, तो मैं चाहता हूँ कि कल श्रीलंका जीते, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है इस वर्ल्ड कप के लिए, उनकी उम्मीदें भी काफ़ी ऊपर हैं एशिया कप जीतने के बाद, और यूएई वाले भी उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम यूएई ने जो लैग किया, उन्होंने अपने स्टार्टिंग ओवर्स में बैटिंग करते हुए वहाँ पर लैग किया, क्योंकि वो बाउंड्रीज निकालने में नाकाम हो रहे थे, सिंगल डबल भी मिस कर रहे थे वहाँ पे, उस वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलें पेश आई और उन्होंने बहुत छोटा टारगेट जो है बोर्ड पर लगाया, और नैदरलैंड की कुछ मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से वो इतना लंबा लेकर चला गया इतने कम टोटल को, और उसमें काफ़ी अहम किरदार यूएई के बॉलर्स का भी था, जिन्होंने बॉलिंग सही राइट एरियाज़ में की और वहाँ पर उन्होंने मेन पॉइंट पे विकेटें हासिल की। तो ठीक है सुन भाई, आपसे लेते हैं ओपिनियन बाद में, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आपको मौका देंगे बोलने का। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका जीतेगा कल का मैच, 100% चांसेस है, क्योंकि तुक नहीं बनती श्रीलंका की यूएई से हारे, जैसे कि आपने बोला कि पेपर पर इनका इनको कंपेयर नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से कल जीतना चाहिए श्रीलंका को 100%। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अब स्ट्रेंथ्स पे चलते हैं, सबसे पहले आप श्रीलंका की स्ट्रेंथ्स के बारे में बोलें कुछ। श्रीलंका की जो स्ट्रेंथ हैं उनका मेन राजापक्सा, राजापक्सा पे वो बहुत रिलाई करते हैं, क्योंकि उनकी जो पावर हिटिंग है आपने फाइनल में देखी होगी, जैसा कि उन्होंने 6 विकेटें गिरने के बाद उन्होंने मैच को कैसे निकाला, पाकिस्तान के हाथ से कैसे निकाल के लेकर गए जी, और सेकंड जो वो रिलाई करते हैं बहुत ज़्यादा हसरंगा पे, क्योंकि वो एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, ठीक है उनकी एज ऑलराउंडर बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज है, लास्ट टाइम फाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला, जैसा कि उन्होंने 4 विकेटें भी हासिल की और क्रूशल मौके पर आके उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रन्स भी स्कोर किए, उस वजह से ये 2 मेन बंदों का चलना लाजमी है श्रीलंका के लिए अगर वो जीतना चाहते हैं तो, बाकी अगर वो उनका फील्डिंग यूनिट है जो वो उसे काफ़ी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, जैसा कि लास्ट टाइम वो मैच जो हारे हैं काफ़ी मेन किरदार फील्डिंग यूनिट का भी था उन्हें हरवाने में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेन पॉइंट पे मेन जगह पर उन्होंने कैचेस मेन प्लेयर्स के ड्रॉप किए, तो उनके हारने की वजह वो बनी, तो उम्मीद करते हैं कि कल वो अच्छी फील्डिंग करेंगे और मैच जीतेंगे जी बिल्कुल यूएई से। तो अब श्रीलंका की वीकनेस, श्रीलंका की मेन वीकनेस ये है कि उनका माइंडसेट, मैं काफ़ी टाइम से ये नोट कर रहा हूँ कि श्रीलंका दिलशान कुमार संगकारा और जयवर्धने के जाने के बाद उनके पास एकदम जो है ना टैलेंट तो नहीं कह सकते प्लेयर्स की, अब मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर्स आ गए हैं बिल्कुल, उनके पास ना एक्सपीरियंस का एकदम लैक आ गए, एकदम प्लेयर्स चले गए उन्हें छोड़ के, ठीक है तो हालांकि उनके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा वेल मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, सही टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत ये है कि वो काफ़ी सारे मैच अपने हारे हैं, किस वजह से कि उन्होंने गलत हिटिंग चूज़ की, ठीक है गलत बॉल पर हिट करके आउट हो जाना, जैसा कि एक के बाद एक विकेट गिरना,
कोई भी टीम उस टाइम उसकी बैकबोन टूट जाती है कि अगर यके बाद दिगरे विकटें गिरनी शुरू हो जाएं तो फिर वो प्लेयर का वो मोमेंटम खराब हो जाता है और मोराल उनका डिस्टर्ब होता है, मोराल उनका डाउन हो जाता है और ये चीज़ श्रीलंका को ख़त्म करनी पड़ेगी, जैसा कि हमारी टीम पाकिस्तान भी का यही मसला था। लेकिन पाकिस्तान में बहुत इंप्रूवमेंट होगी अब माशाल्लाह, अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा पाकिस्तान, अल्लाह पाक नज़रबाज़ से बचाए। ये बाबर आजम सरफराज के आने के बाद, बाबर आजम ने जैसा खेला, बाबर आजम के कैप्टन बनने के बाद, बाबर आजम ने जैसे टीम को लेकर चले और माइंड सेट चेंज किया, मेन चीज़ माइंड सेट पाकिस्तानी टीम का चेंज किया कि लंबा लेकर चलना है। और मुझे याद है कि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले पाकिस्तान की टीम का ये हाल होता था कि उन्होंने पहले 10 ओवर में कम से कम 20 से 35 डॉट खेले होते थे। मेन चीज़ इन्होंने निकालने में ये की पाकिस्तान के कोचिज ने पावर हिटर भी इंक्लूड किया और उन्होंने सिंगल डबल जो मिस करते थे उसे मिस करना छोड़ दिया और अगर हिटिंग नहीं हो रही उन्होंने स्कोर बोर्ड को चलाना शुरू किया, सिंगल मिस करनी शुरू की। आप उठा के देख लें जैसे कि स्टैट्स इस पिछले 1-2 साल के, तो पाकिस्तान के जो डॉट बॉल हैं तकरीबन मेरे अंदाजे से कम ही खेले होंगे उन्होंने बाकी टीमों की नस्बत, दूसरे तीसरे नंबर पर लाजमी वो आते होंगे कम खेलने वाली टीमों में डॉट बॉल। तो श्रीलंका की भी मेन वजह ये है वो सिर्फ पावर हिटिंग पे रिलाई ना करें, क्योंकि सिर्फ आप छक्के चौकों से मैच नहीं जीत सकते। माना कि अब T20 क्रिकेट जो है हिटिंग की गेम है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी देखें कि अगर आप 5 बॉलों पे सिंगल ले लेते हैं और 1 बॉल पे आप बाउंड्री मार देते हैं, आपका स्कोर फिर भी 9-10 की एवरेज से चलता रहेगा। लिहाजा मेन ये है कि सिंगल डबल चलती रहे तो मतलब नेक्स्ट बैट्समैन जो आए ना उसके लिए भी बेहतर हो, नहीं तो पाकिस्तान की भी मेन हारने की वजह पहले ये होती थी कि मतलब हिटिंग के चक्कर में प्लेयर रुका रहता था, वो हिटिंग ट्राई करता था, बॉल डॉट करता रहता था, बॉल डॉट होगी उसका नुकसान ये होता है मतलब जो नेक्स्ट आने वाला प्लेयर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है, तो प्रेशर बिल्ड की वजह से वो जब नेक्स्ट आएगा तो उससे मतलब हिटिंग करनी है, जाहिर है रिक्वायर्ड रेट बढ़ चुका होगा, ठीक है, सिंगल डबल अगर चलती है तो वो रिक्वायर्ड रेट भी थोड़ा काबू में रहता है, इतना नहीं काबू से बाहर होता। जी आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, अब वो मैंने भी नोटिस किया है अब हर बॉल पे सिंगल या डबल बुला आदमी लेते हैं। बिल्कुल, और श्रीलंका को भी बस यही चीज़ चाहिए, बाकी उनके पास टैलेंट की किसी चीज़ की कमी नहीं है ना स्किल की कमी है, प्लेयर्स भी उनके पास बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, आने वाले दिनों में उनकी यंग टीम में आने वाले दिनों में वर्ल्ड क्लास प्लेयर मान सकते हैं, कैसे, जैसा कि पाकिस्तान ने आपको करके दिखाया, पाकिस्तान 2017 में चैम्पियन ट्रॉफी जब खेल रहा था उस टाइम पाकिस्तान जब चैम्पियन ट्रॉफी में इन हुआ पाकिस्तान नंबर 8 पर था जी, पाकिस्तान अगर वो चैम्पियन ट्रॉफी हारता और चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस हारता पाकिस्तान और डाउन हो जाता पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम क्वालिफायर खेलना पड़ता, ठीक है, वो अल्लाह पाक ने मदद की पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छे, पाकिस्तान फाइनल जीत के डायरेक्ट क्वालिफाई किया क्योंकि वो यंग टीम थी, ठीक है, मुझे भी श्रीलंका में भी वो टच नजर आता है पाकिस्तान वाला, वो यंग जैसे ये एशिया कप जीते हम अब श्रीलंका को एक मैच हारने से वो नहीं कर सकते मतलब, लेकिन श्रीलंका पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा नामीबिया से मैच हारने के बाद, अच्छी टीम है जब से विजय ने ज्वाइन किया नामीबिया, जब से उन्होंने कंट्री चेंज की है तब से नामीबिया अच्छी होगी काफी, वो भी नहीं नामीबिया को भी क्रेडिट देना पड़ेगा जैसा कि उन्होंने खेला, मतलब जाहिर है पूरा मैच वो लेकर चले, उन्होंने कोई एक जगह पे ये नहीं हुआ कि उनका कोई मतलब तुक्का काम आ गया कि वो जीत गया, नहीं उन्होंने पूरा प्रॉपर मैच खेला कि उन्होंने पहले बोर्ड पे टारगेट लगाया सेट किया, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर अच्छी प्रॉपर चैनल पे बॉलिंग की, मेन टाइम पे विकटें हासिल की और मेन चीज़ कैचेस उन्होंने अवेल किए, कैचेस पकड़े उन्होंने, कैचेस नहीं छोड़े जिसकी वजह से मतलब काफ़ी मदद मिली उन्हें जीतने में। और नामीबिया को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम, या यूएई को भी किसी टीम को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट बाय चांस है, ठीक है, जिस दिन जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। तो लेकिन अगर हम ऑन पेपर टीम्स देखें तो मेरे हिसाब से कंपैरिजन दोनों का नहीं कर सकते, और जीतना श्रीलंका को चाहिए लेकिन श्रीलंका पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा,
क्योंकि काफी चीजें होंगी, जाहिर है ये जो मेंटली ये मेंटली नॉकआउट प्रेशर होता होने है का ना, भी प्रेशर होगा उन पे कि बेशक अगर मैच हार गए तो नॉकआउट राइट। बिल्कुल, नामीबिया से जो मैच वो आ रहे हैं वो काफी मतलब डिसअपॉइंट हुए होंगे, जाहिर है उनके जो स्पेक्टेटर्स हैं जी उनके नेशन के बहुत जो मायूस हुए होंगे वो, क्योंकि वो इतने दूर से अपने कंट्री को देखने आए थे। बेशक, और मेन चीज ये है कि आपका वर्ल्ड कप खेलना स्टेक पे लगा हुआ है, ठीक है, अगर आप जीतेंगे तो फिर आप वर्ल्ड कप खेलेंगे। श्रीलंका कोई मामूली नेशन नहीं है, मामूली टीम नहीं है, वो क्रिकेट लविंग नेशन है। जी वो शुरू से उनके इतने अच्छे अच्छे प्लेयर उन्होंने डेवलप किए, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर वो सामने लाए, जैसा कि कुमार संगकारा, हाँ राणा टूंगा, जय सूर्या, वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिनका आज भी नाम बोलता है, कुमार संगकारा, जयवर्धने, चमिंदर वास, मुरलीधरन, ऑलराउंडर, उनकी फहरिस्त बड़ी भरी पड़ी है प्लेयरों से जो कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनमें टैलेंट की कमी है, सिर्फ उनको अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कल वो लोग चेंज दिखाएंगे अपने अंदर, चेंज लेके आएंगे अपने अंदर, उम्मीद करते हैं कि क्योंकि कल उनके लिए वो या आ रही या पार है कल के मैच में। जाहिर है तो अब मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए हमें स्ट्रेंथ पे, यूएई के, यूएई की स्ट्रेंथ यूएई बस शॉर्ट में बताएं आप यूएई की स्ट्रेंथ। नाज़रीन जैसा कि वीडियो को कवर वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। यूएई की मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ जो है उनकी जो ओपनर बैट्समैन है जो वो ज़्यादा मुझे उनके स्ट्रेंथ लग रही है कि अगर वो परफॉर्म करेंगे वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं उन पर और अपने बॉलर्स पे, बैट्समैन पे और बॉलर्स पे, ओपनिंग बैट्समैन और बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। अगर वो चलें उनके तो वो काफ़ी चांसेस उनके बढ़ जाएंगे। जैसा कि मैंने उन्हें पिछले मैच में नोट किया कि उनके जो ओपनर हैं वसीम वो बहुत अच्छे हिटर हैं, तो वो फास्ट बॉलिंग पे बहुत अच्छा हिट लगा सकते हैं। जैसे कि नैदरलैंड के जो बॉलर थे वो काफ़ी बॉल में जो है पेस कम डाल रहे थे, उस वजह से उन्हें मुश्किल पेश आ रही थी हिट लगाने की। तो उम्मीद है कि श्रीलंका में भी इस तरह का फास्ट बॉलर नहीं है, श्रीलंका में एक दो हैं अच्छे बॉलर हैं, उनकी पेस 140 अबव है, जो लास्ट टाइम खेले थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी फ़ाइनल में, जिन्होंने स्टार्ट में वाइड्स और नो बॉल्स करवाई थी और फिर काफ़ी अच्छा ओवर निकाला था उन्होंने, विकेट भी मेन ली थी। तो उम्मीद करते हैं कि यूएई भी अच्छा परफॉर्म करेगी। मैच होना चाहिए कांटेदार, ये नहीं कि वन साइडेड हो जाए, वन साइडेड मैच का मतलब नहीं आता। और बिल्कुल, तो और वीकनेस यूएई की, यूएई की वीकनेस यही है कि जैसे कि वो फंस जाते क्योंकि उन्हें इतना तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं होने भाई ये इंटरनेशनल मैचेस खेलने का। फिर एक और बार मैं कहूँगा कि श्रीलंका को इस चीज़ पर भी एज हासिल है कि उनका एक्सपीरियंस यूएई से थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस है उनका, वो उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, उन्हें पता है कि बड़े एरिना पे आके बड़े प्लेटफॉर्म पे आके कैसे परफॉर्म करना है, कैमराज के सामने कैसे रिएक्ट करना है। तो यूएई जो है इस चीज़ पे थोड़ा लैक करती है, इस वजह से थोड़ा सा उन्हें वीक मेरे हिसाब से है। तो बाकी जो है उनके प्लेयर भी अच्छे हैं, मतलब उनके पास भी टैलेंट की कमी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर उनके पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान नेशनल हैं जी। तो हमारी दुआएं उनके साथ भी हैं एज अ मुस्लिम, इंशाल्लाह वो भी अच्छा खेलेंगे। तो जीतेगी वही टीम जो उस दिन अच्छा खेलेगी, ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी वो मैच ले जाएगी। और अब आपसे मैं पूछता हूँ श्रीलंका का वन स्ट्रॉन्ग बैट्समैन एंड वन स्ट्रॉन्ग बॉलर, सिर्फ ए वन वन बताने आपने। श्रीलंका का स्ट्रॉन्ग बैट्समैन जैसा कि मैंने पहले भी कहा राजापक्सा, राजापक्सा जिस दिन चल गया श्रीलंका दुनिया की कोई भी टीम हो श्रीलंका उसे पकड़ लेगा, श्रीलंका नहीं छोड़ता उसे। जैसा कि आपने देखा फाइनल में भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा, जैसे राजापक्सा को चांस मिला, शताब ने उनका कैच छोड़ा, उसके बाद राजापक्सा मैच लेके नहीं देखा, मैच लेके निकल गए। और बॉलर बॉलर मेरे हिसाब से उनके हसरंगा, हसरंगा हसरंगा जो हैं वो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं क्योंकि वो फंसाते हैं स्पिन पे, और यूएई के बैट्समैन को मैंने देखा है वो स्पिन इतना अच्छा नहीं खेल सकते, तो उम्मीद है कि वो मैच को फंसाएंगे। तो असफन भाई यूएई का एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन और एक स्ट्रॉन्ग बॉलर, यूएई के बैट्समैन अच्छे हैं, दो तीन अच्छे हैं, लेकिन जो मुझे पर्सनली जो पसंद आया लास्ट टाइम मोहम्मद वसीम, जी जी उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी है, और एज अ बॉलर जो है वो जहूर खान और सुल्तान जो हैं दोनों बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन जो जहूर खान है उन्होंने काफ़ी लीज भी खेली हुई हैं, T10 में भी थे वो, तो उस वजह से मैं उन्हें ज़्यादा प्रेफर करूँगा जहूर खान को, कि वो ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो
और आप एक चीज रमान भाई, मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अपने कोई फेवरेट प्लेयर बताएं, श्रीलंका से भी और यूएई से भी, कि कल आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है, कौन सा प्लेयर कल परफॉर्म करेगा श्रीलंका का और यूएई का? मेरे ख्याल से श्रीलंका का एक ही प्लेयर मैं बोलना चाहता हूँ, हसरंगा। जैसे कि एशिया कप में उनकी हमने परफॉर्मेंस देखी, जिस तरह की उन्होंने विकेट्स ली, मेरे ख्याल से श्रीलंका की तरफ से हसरंगा। और ये यूएई में मोहम्मद वसीम, मेरा भी वो गुड, बहुत अच्छे बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम ही कल हो सकता है चल जाएँ। लास्ट मैच में तो अच्छा नहीं खेल पाए वो, लेकिन उनकी पिछले हाँ, मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी उन्होंने थी। कोशिश की खेलने की जी लेकिन बस उनकी लक काम नहीं की। चले नाजरीन, आज के लिए यहाँ तक आपसे इजाज़त चाहते जी हैं। और अब से डेली के हम लोग हर मैच जो होगा दिन में उसके एनालिसिस करेंगे उसका, और अगर टाइम मिला हमें तो हम मैच के दौरान भी लाइव आ जाएंगे और उसमें मतलब कमेंट्री करेंगे। इंशाल्लाह, और हम आपको अपनी प्रिडिक्शंस भी देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे टीम्स के और मेन रिलेटेड। चीज़ हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे वो ऑथेंटिक ऑथेंटिक होगी, मतलब बिल्कुल फेक नहीं इंशाल्लाह, होगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो मतलब फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या क्या कहेंगे बिल्कुल। आप? मैं यही कहना चाहूँगा मतलब कि हम पहले हम रिसर्च अपने करेंगे। बिल्कुल हम अपनी पूरी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह कि आपको काफ़ी स्टैट्स जो हैं, स्टैट्स और फैक्ट्स एंड फिगर के थ्रू आपको डिटेल्स बताएं, बैट्समैन्स की भी, टीम्स की भी, और स्टेडियम वगैरह, और जो भी मतलब इंफॉर्मेशन हो सकी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस फिर आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्रिकेट एनालिसिस, और आई होप कि हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो सही साबित होगी कल के मैच की। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में जो कल आएगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। ये हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, असफन भाई बहुत ही बिजी होते हैं, इनसे बहुत मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला है इस वीडियो के लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अरमान भाई ने भी बहुत मेहनत की है इस वीडियो बनाने के लिए, ये स्पेशल अपने घर से इतने दूर से सफ़र तय करके मेरे घर आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, तो हम दो भाई बैठ के और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। तो अब गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब इंशाल्लाह। लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।